नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। और आप देख रहे हैं ऑल सॉल्यूशन चैनल को। और आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अपने लैपटॉप के अंदर, पीसी के अंदर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहते हो तो वो आसान तरीके से स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना मैं सिखा दूंगा। जैसे कि दोस्तों, अगर आप गेमिंग करते हो या फिर आप यूट्यूब पर गेम वगैरह डालते हो, रिकॉर्ड करना चाहते हो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना, लैपटॉप के अंदर जो है कैसे कर सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग आसान तरीके से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, अगर आपके पास कोई सा भी हो, विंडो 10, विंडो 7, विंडो 6, कोई सा भी हो, उसके अंदर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग आसानी से कर पाओगे। ठीक है, सेम प्रोसेस है, कुछ नहीं है ज़्यादा कुछ। शॉर्टकट की भी बताऊंगा, उस शॉर्टकट की से आप जो है आसान तरीके से स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों, अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आपको दोस्तों यहाँ आ चुके अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, और आपको दिख रहा होगा अच्छे तरीके से। ये है मेरे पास विंडो 10, और विंडो 10 के अंदर जो मैं बताऊंगा अभी, मतलब स्क्रीन रिकॉर्ड करते हैं। अगर आप गेमिंग वगैरह करते हो तो उसके लिए अच्छा रहेगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग। और अच्छी क्वालिटी भी आप चाहते हो कि अच्छी क्वालिटी का मैं 60 FPS इसको रिकॉर्ड करना चाहूँ तो भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोग क्या करना है, सबसे पहले चले जाना है सेटिंग के अंदर। नीचे देख सकते हो सेटिंग, यहाँ पे देख सकते हो दिख रही हो, सेटिंग के ऑप्शन चले जाना है। सेटिंग के अंदर जाने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको जो है नीचे यहाँ पे देख सकते हो गेमिंग वाला ऑप्शन दिखेगा, आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद देख सकते हो गेम बार के अंदर जो है आपको इसको आपको ऑन कर देना है सबसे पहले। ठीक है, इसको ऑन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो सेकंड नंबर वाला ऑप्शन कैप्चर के, आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जो भी आपका कैप्चर जो है यहाँ पे देख सकते हो दिख जाएगा। और यहाँ पे आपको क्या करना है, ये आपको ऑफ रहेगा इस तरीके से, तो आपको जो है यहाँ से ऑन कर देना है। ठीक है, और टाइमिंग, लास्ट टाइमिंग वगैरह आपको जो भी है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। 30 सेकंड रखा है मैंने, बैकग्राउंड में चलेगी। और यहाँ पे देख सकते हो नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे माइक्रोफोन, अगर आप जो लैपटॉप से अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हो तो उसकी माइक की वॉल्यूम जो है आप बढ़ा सकते हो, और सिस्टम वॉल्यूम भी है जो बढ़ा सकते हो। ठीक है, यहाँ से मतलब सिस्टम का जो भी रिकॉर्ड होगा वहाँ पर अच्छे तरीके से रिकॉर्ड होगी। अब आती है वीडियो की क्वालिटी। ठीक है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो करोगे ना आप, तो उसकी क्वालिटी देख सकते हो 60 FPS पे है तो आप कर देना, सॉरी 30 FPS पे है तो 60 FPS आप कर देना। ठीक है, क्योंकि अच्छी क्वालिटी रहेगी। तो यहाँ पे मैंने, अगर आपके स्टैंडर्ड है तो यहाँ पे हाई कर देना है। ठीक है, हाई पे आपकी पिक्चर क्वालिटी जो है काफ़ी अच्छी रहने वाली है। तो मैं अब दिखा देता हूँ शॉर्ट की किस तरीके से आपको शुरू करना है। शॉर्ट की देख सकते हो विंडोज़, अगर आपको स्क्रीन शॉट भी लेना है ना, स्क्रीन शॉट लेना है तो विंडोज़। ठीक है, यहाँ पे आप जो है शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हो, विंडोज़ प्लस जी दबाओगे ना तो आपके जो गेमिंग बार जो ऑप्शन यहाँ पे होता है ना वो ऑन हो जाएगा। और ठीक है, स्क्रीन शॉट लेना है तो विंडोज़ एल्ट प्लस, ठीक है, स्क्रीन शॉट लेना है तो विंडोज़ प्लस एल्ट, और आप इन दोनों को प्रेस करके रखना है। और उसके बाद आपको जो है ये वाला की है, इसको आपको एक बार प्रेस करना है तो आपको ऑटोमेटिकली जो है स्क्रीन शॉट हो जाएगा। ठीक है, देखो सारे फीचर्स इसके अंदर आप समझ जाओगे कि क्या क्या आपको वहाँ पे शॉर्टकट की इस्तेमाल करके आप लगा सकते हो, चला सकते हो। ठीक है, तो अब मैं आपको जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो ऑन करके दिखा देता हूँ। विंडोज़ एल्ट प्लस जी, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो विंडोज़ एल्ट प्लस जी क्लिक करूँगा तो मेरे यहाँ पर आ जाएगा फीचर रिकॉर्डिंग का। ठीक है, डेस्कटॉप पर रिकॉर्ड नहीं होगा, आपको कोई फंक्शन वगैरह ऑन करना पड़ेगा, गेम वगैरह अगर आप खेलते हो तो वो गेमिंग ऑन कर देना है। उसके बाद आपको लगाना है विंडोज़ एल्ट प्लस जी कर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर जो है क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे जो है स्टार्ट हो जाएगी रिकॉर्डिंग होना। ठीक है, रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, और यहाँ पर आप स्टॉप भी कर सकते हो, स्टॉप करने के बाद देख भी सकते हो कि कहाँ हमारी रिकॉर्ड हुई है। तो ये देख सकते हो मैं रिकॉर्ड हो चुकी है और प्ले कर, ठीक है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो चुकी है और प्ले भी कर सकता है अपन। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही हेल्प वीडियो में लाता रहता हूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।